और जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो बेस है, जो लिक्विड फॉर्म है, काफी थिकनेस है इसमें, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, आप सभी ने अभी ये 10 रुपए का नोट देखा और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको 10 रुपए का नोट क्यों दिखा रहा हूँ। भाइयों, इसलिए क्योंकि ये जो नोट है ये बहुत काम का नोट है। ये हमारी कंट्री का सबसे छोटी करेंसी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे महंगाई भरे जमाने में ये 10 रुपए का नोट अभी भी चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और 10 रुपए में आज के जमाने में हम लोग को खाने से लेट क्या मिलता है, मिलता है बहुत कुछ मिलता है, बहुत ही लेकिन रेयर होता है कि हमें कुछ खाने में कुछ मिल जाए और उससे हम अपना पेट भर सकें। तो 10 रुपए बहुत ही काम की चीज़ है और 10 रुपए में आप चाहे तो कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, लाइक नूडल्स वगैरह में और सूप वगैरह में। तो आज आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मेरा वीडियो बेसिकली किस चीज़ पे होने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उपेंद्र रॉय और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फूड एंड ब्लॉग्स। तो गाइस, आज का वीडियो होगा कि बेसिकली किस चीज पे है। तो आज मैं करने वाला हूँ, एनी गेस कि मेरे हाथ में कितने पैकेट्स हैं। मेरे हाथ में है 4 सूप्स के पैकेट जो दो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं और आज मैं इन 4 सूप्स को ट्राई करने वाला हूँ लंच में। लंच में आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा देख के कि मैं लंच में सूप, थोड़ा सा अलग है ना। बेसिकली जो बहुत से लोग हैं जैसे कि जो हमारा सूप होता है डिनर में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब चाहें, अगर आपको मन करता है, आपको सूप पसंद है, तो आप दिन में आप कभी भी सूप को ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों में से पहले मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से आलसी कौन है। जो भी आलसी मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएं कि आप बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि उनको कुछ करना भी नहीं है और 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्रांड के 2-2 सूप्स को खरीद लेता हूँ और मैं इनको आज टेस्ट करने वाला हूँ। और ये मेरा कोई वीडियो आप या तो आप कंपैरिजन समझ लीजिए या फिर आप इसका रिव्यू समझ लीजिए, लेकिन मेरा ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आज मेरे यहाँ लंच में कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज लेके आऊँ जिससे मेरा पेट भर जाए और मेरी बॉडी के लिए हेल्दी भी रहे, करने वाला हूँ। तो मेरे हाथ में 4 सूप्स के पैकेट हैं, 4 फ्लेवर्स में है और 2 डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। तो मैंने लिया है 2 नॉर का, एक लिया है टोमेटो चटपटा एंड एक है हॉट एंड सॉर वेज, और दूसरा हमारा है चिंग्स का। चिंग्स मैंने टोमेटो फ्लेवर और मंचाओ फ्लेवर लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको जस्ट बनाने। तो गाइस, हम लोगों के जो सूप्स मैंने बनाए थे आपको दिखाया आपको, और सूप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये हमारा चिंग्स का टोमेटो फ्लेवर और ये हमारा चिंग्स का मंचाओ फ्लेवर। तो अभी हम पहले इनके कलर की बात करते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं हमारे। तो ये है हमारा चिंग्स का टोमेटो फ्लेवर। तो ये हमारे सूप का जो कलर है, सूप का कलर हमारा ऑरेंज है और इसमें मेरे को कैरेट दिख रहा है और रेड चिली फ्लेक्स है और ग्रीन हर्ब्स हैं, कोरिएंडर धनिया वगैरह इसमें है और ज्यादा कुछ नहीं है। अभी टेस्ट हम इसको करेंगे। ये हमारा चिंग्स का मंचाओ फ्लेवर है और अगर इसकी कलर की बात करें तो ये हमारा डार्क ब्राउन कलर है और इसमें हमारे जो कैरेट्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में हैं और आई थिंक मुझे ये गार्लिक या फिर मेरे को अनियन लग रहा है छोटे छोटे से, और बाकी इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। अभी इसकी भी टेस्ट की बात करेंगे। तो गाइस, ये हमारा नॉर का है और नॉर मेरा टोमेटो फ्लेवर है और ये हमारा हॉट एंड सॉर फ्लेवर है। तो हम पहले टोमेटो फ्लेवर की बात करेंगे। ये हमारा टोमेटो और इसमें भी मेरे को वही कैरेट्स हैं और
ग्रीन कैबेज छोटे छोटे से मेरे को दिख रहे हैं, आई थिंक ग्रीन कोरिएंडर है। और इसका जो बेस है, जो लिक्विड फॉर्म मेरे को काफ़ी थिक है। सूप्स की अगर बात की जाए तो इनमें मेरे को जो मैंने चिंग्स वाला अभी आपको दिखाया उसमें भी मेरे को ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगा, और इसमें भी मैंने जो इसका पैकेट को मैंने खोला और आपको दिखाया उसमें भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं, लेकिन टेस्ट पे देखते क्या फ़र्क आता है। नॉर में भी अगर बात की जाए तो मुझे इसमें इसका भी कलर जो है डार्क ब्राउन जैसा है, जैसे मैंने आपको मंचाओ फ्लेवर दिखाया था, तो इसका वेज एंड सॉस सेम है, और उसका टोमेटो फ्लेवर और इसका टोमेटो फ्लेवर उसका भी कलर लगभग सेम ही है। और इसमें मेरे को ग्रीन चिली, रेड चिली के फ्लेक्स, गार्लिक, अनियन, पता चले यही सब होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारा सूप में आपने देखा होगा कि इस सूप में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि लाइक हमारा अदरक वगैरह हो गया, तो इस सब मेरे को देखने मिले वेजीज, तरह तरह के वेजीज होते हैं, वो सब नहीं मिला। लेकिन चलिए ठीक है, मैं पहली बार इनको ट्राई करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो इसमें गाइस टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं पहले चिंग्स का जो हमारा टोमेटो फ्लेवर है पहले मैं उसको ट्राई करूँगा। गाइस आपको जो स्टार्टिंग में आप पीने का इसका जो टेस्ट लगेगा, आप ग्लूकोज आपने पिया होगा, ग्लूकोज का हल्का से स्टार्ट फ्लेवर आ रहा है, पता नहीं कि सूप में ग्लूकोज थोड़ा सा, जिसका सूप है सूप काफी रेड चिली और जो हमारा रॉ टोमेटो होता है उसका फ्लेवर पता चल रहा है। और जो मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को कैरेट दिख रहा है, ये सॉरी उसके लिए, ये कैरेट नहीं है, हमारा जो ब्रेड का क्रोटन्स होता है तो वो है इसमें पड़ा हुआ है। तो बट अभी मैं मंचाओ फ्लेवर को टेस्ट करूंगा, तो उसका टेस्ट देखते कैसा है। मैंने ले लिया है मंचाओ का, गाइस अगर इसकी टेस्ट की बात की जाए तो इसका जो मंचाओ फ्लेवर चिंग्स का वो थोड़ा सा अच्छा है, मेरे को जो टोमेटो वाला फ्लेवर था उससे ज़्यादा मेरे को ये थोड़ा सा पसंद आया है। इसका जो सूप है उसका सूप पीने में जो इसका फील जो है थोड़ा सा गार्लिक और अनियन का फ्लेवर पता चल रहा है, और एक टेस्ट पता चल रहा है वो हमारा इसमें कैबेज और कैबेज कैरेट का फ्लेवर आ रहा है। तो अभी हम बात करेंगे नॉर वाले की। तो नॉर जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो बेस है, जो लिक्विड फॉर्म है, काफी थिकनेस है इसमें, ये देख सकते हैं आप। वाह भाई वाह, एकदम मजा आ गया भाई। इसका जो टोमेटो फ्लेवर है बहुत ही जबरदस्त है भाई। मैंने जो ये मंचाओ सॉरी चिंग्स का जो मैंने टोमेटो फ्लेवर लिया था उस वाले से मेरे को नॉर वाला ज्यादा पसंद आया है। उसका एक बेसिकली पीने पता चल रहा था कि इसमें टोमेटो फ्लेवर है, बट इसका जो फ्लेवर है इसका फ्लेवर एकदम अलग है। टोमेटो ऐसा लग रहा है कि वो पैकेट में था, तो जैसे लग रहा था पता चल रहा है काफी दिन का पैकेट में बंद है और उसको पी रहे हैं बना करके। लेकिन इसका जो ऐसा लग रहा है कि टोमेटो हमने अभी फ्रेश टोमेटो लिया है और फ्रेश टोमेटो को मैश करके ग्राइंड करके तुरंत बनाया है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट का पता चल रहा है मेरे को। 10 रुपीज में बहुत ही बढ़िया सूप, मैंने अभी तीनों सूप को ट्राई किया है, तो तीनों मेरे को एक ये वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगा है, 100 out of 100 में देना चाहूंगा। और जो मैंने मंचाओ वाला लिया था चिंग्स का वो भी मेरे को अच्छा लगा, टोमेटो वाला थोड़ा सा अब मेरे को पता चल रहा है कि उस अच्छा मेरे को वो भी लगा, लेकिन उस टोमेटो में इस टोमेटो में बहुत ज्यादा अंतर है। और अगर इसके और टेस्ट की बात की जाए, इसमें जो है ब्रेड कॉटन से उनका जो क्रंच है बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ऐसे लिक्विड में है तो ऐसा होता है कि लिक्विड में कि हमारा जो क्रंच है ब्रेड कॉटन या कोई भी चीजें होती है उसका क्रंच पता नहीं चलता, लेकिन इसका क्रंच इसमें काफी अच्छे तरीके से पता चल रहा है। तो भाई मेरे को सूप ये बहुत पसंद आया, तो आज से मैं इसी सूप को ट्राई करना चाहूंगा। और अभी हम बात करेंगे हमारा जो नॉर का वेज एंड सॉस फ्लेवर है, तो ये मैंने टेस्ट करने जा रहा हूँ। वैसे जो टोमेटो वाला था ना बहुत ही गजब का था भाई, मन एकदम खुश सा हो गया, एकदम बहुत ही यमियस टेस्ट था। गाइस अगर मैं इसके नॉर वाले की वेज एंड सॉर की बात करूं तो ये इसका टेस्ट काफी टैंगनेस जैसा फ्लेवर, तीखा चटपटा लग रहा है, और इसका जो लिक्विड है, लिक्विड सूप जो है उसमें पीने जिंजर का फ्लेवर पता चल रहा है। अभी मैंने जितने भी मैंने सूप्स को ट्राई किया है उसमें जिंजर का फ्लेवर मेरे को पता नहीं चला, लेकिन इसमें जिंजर का जो एक हॉटनेस होता है, एक जैसे जिंजर को खाने में पता चलता है कि काफी गर्म है, तो इसमें जिंजर का फ्लेवर पता चल रहा है। और इसमें ग्रीन चिली और हमारा जो ग्रीन कोरिएंडर होता है, अगर मैं चिंग्स वाले की बात करूँ, टेस्ट किया मेरे को जो बेसिकली पसंद आया है, मुझे नॉर के सूप्स मेरे को ज़्यादा पसंद आए हैं।
स्ट्रिंग्स वाले के मुकाबले। तो आपका आपको कौन सा था पसंद है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने सूप जो ट्राई किया है कौन सा ट्राई किया है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैंने अभी तक मैंने चैनल 12-13 वीडियोस अपलोड की हैं और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा से व्यूज कम है, बट कोई नहीं, मैं अपना काम करता जाऊंगा। हाँ, थोड़े से मेरे वीडियोस पहले जैसे मैं अपलोड कर रहा था वीक में 2-3 कर रहा था, मैं एक ही कर पा रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं जल्दी कोशिश करूंगा मैं रूटीनली वीकली अच्छे से वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो गाइस आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और न्यू अपडेट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।